कोटा के मकबरा इलाके में चाकुओं से कूदकर एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने तीन नाबालिगों पर एक साथ हमला बोला, जिसमें दो नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई। मकबरा थाने के सामने डॉक्टर जलील की गली में यह वारदात हुई। ठीक दो साल पहले भी इसी गली में सौरभ हत्याकांड हुआ था। बताया जा रहा है कि यह वारदात इलाके के पार्षद के घर के बाहर हुई, जिसमें पार्षद का बेटा भी घायल हुआ। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर नाबालिगों पर चाकू से हमला क्यों किया गया। वारदात के बाद एमबीएस अस्पताल में मृतक और घायलों के परिजनों के गुस्से का सामना भी पुलिस को करना पड़ा। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।